मूवी का नाम है वंडरिंग अर्थ 2023। तो कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और आने वाले 100 सालों के बाद वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर संभालेगा। अब इसी तबाही से बचने के लिए सभी मुल्कों ने मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की जिसका नाम UEG था। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जो आने वाले वक्तों में इंसानों की बेहतरी के लिए काम आ सकते थे। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को AI कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। इससे होता ये था कि वो मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन इन प्रोजेक्ट में बहुत से पैसों की जरूरत थी, तो इसीलिए पैसे ज्यादा ना होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। आगे इनका एक और प्रोजेक्ट था जो वंडरिंग अर्थ था। इसमें अर्थ जमीन पर बहुत से इंजन लगाए जाने थे ताकि ये जमीन को उसकी जगह से थोड़ा सा मूव कर सके, यानी कि उसकी जगह से हटाकर उसे दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सकता था ताकि ये सूरज से आने वाली तबाही से उसे बचा सके। मगर इन इंजन को लगाने से पहले इन इंजन का टेस्ट चांद पर भी होना था ताकि पता चल सके कि ये तजुर्बा इनका सही से काम कर सकता है या नहीं। अब इस काम के लिए अलग अलग मुल्कों से बहुत से एस्ट्रोनॉट खलाबाजों को चुना गया था। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट लियू दिखाया जाता है। यहाँ पर जो AI वाला प्रोजेक्ट था उसके बंद होने की वजह से बहुत से लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कह रहे थे। तभी कुछ एहतजाज करने वाले लोग इन एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक लेडी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हैंग था वो इन लोगों का मुकाबला करती है और उन्हें रोक लेती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर इन सभी को 90,000 मीटर की बुलंदी पर इनके स्टेशन पर पहुंचाने वाली थी। सब उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। लियो और हैन इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इन दोनों की ट्रेनिंग अब जब पूरी हो गई थी तो हैन अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों के लिए वो अब लियो से भी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए लियो उसके लिए वहाँ पर फूल लेकर आता है। लेकिन इससे पहले लियो फूल लेकर एलिवेटर से बाहर निकलता उसका दरवाजा बंद हो गया था और वो भी इन्हीं के साथ यहीं पर फंस जाता है। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए चलना शुरू हो गई थी। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए हैन जल्दी से लियो को स्पेस सूट पहनने का कहती है ताकि वो इनके साथ जा सके। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी कि उनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और उनके बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लगे थे। साथ ही साथ इनकी एलिवेटर अब दोबारा से जमीन पर जाने वाली थी। तभी इनकी एलिवेटर में एहतजाज करने वाले लोग भी आ गए थे। वो इन पर हमला कर रहे थे। वो सभी की IDs यानी कि इनकी शिनाख्त को चुराने लगते हैं ताकि वो इनके सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लें। वो इनके स्टेशन को तबाह करके पूरी तरह से उस पर कब्जा चाहते थे। उन्होंने बहुत सी जगहों पर बॉम्ब्स लगा दिए थे। लियू और हैन अपने एलिवेटर में उनका मुकाबला करते हैं। अब जो उन्होंने बॉम्ब्स लगाए थे वो फटने लगते हैं। एक बॉम्ब जो उन्हें एहतजाज करने वाले लोगों ने इनके एलिवेटर में भी लगा दिया था जिससे वहाँ पर अब बहुत बड़ा धमाका होता है। इनका एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ गया था। अचानक से जमीन पर गिरने की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के मुल्क जो UEG से जुड़े हुए थे वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब जल्दी इंजन की टेस्टिंग चांद पर करनी होगी। इसके बाद हमें इनकी एक और टीम दिखाई जाती है जो पहले ही चांद पर बसी हुई थी। हम एक आदमी हैंगियो को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आते ही अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करने लगा था। तभी वहाँ जमीन से कुछ एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जिनमें इनके लीडर भी थे, जो आकर अपनी टीम को बताते हैं कि हमें इंजन टेस्ट मिशन को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। ये यहाँ पर इनकी मदद के लिए और भी बहुत से एडवांस सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे जो इंजन को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को AI की मदद से एक चिप में स्टोर किया जाता था उसके हेड पहले हैंगयू और इनके लीडर हुआ करते थे। मगर अब जब उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंगयू यहाँ पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि कुछ सालों पहले हैंगयू की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसने अपनी बेटी के मरने से पहले उसके दिमाग पर AI वाला पहला तजुर्बा किया। उसके दिमाग को उसने AI की मदद से चिप में स्टोर कर लिया।
मगर उसका ये तजुर्बा बस कुछ वक्त के लिए था। यहाँ पर जो हैंग्यू के लीडर सुपर कंप्यूटर को लाए थे, हैंग्यू उसकी मदद से अपनी बेटी को दोबारा से एआई रोबोट बनाकर जिंदा करना चाहता था, मगर उसके लीडर इस काम के लिए उसे मना कर देते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद जान पर तूफान आ जाता है, जिस वजह से इनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब इनके पास इंजन को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब ये सब अपने पुराने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने का सोचते हैं। मगर इनकी सारी डिटेल जानकारी हैंग्यू के पास थी, जो इन्हें देने से मना कर देता है। जब लीडर उसे ये कहता है कि उसे इनकी मदद करनी होगी, हैंग्यू उनकी मदद करने के लिए तैयार था, मगर वो लीडर से ये कहता है कि आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मुझे भी देनी होगी। वो उसकी मदद से अपनी बेटी को एआई यानी रोबोट फॉर्म में वापस लाकर जिंदा करने वाला था। अब लीडर उसकी बात को मान गया था। हैंग्यू पुराने कंप्यूटर्स को ऑन करता है, जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो गया था, यानी कि इनका जो टेस्ट था उसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अब इसी टेस्ट की वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और साथ ही जो जमीन पर इन्होंने इंजन को लगाए थे वो भी ऑन आ जाते हैं, जिससे जमीन भी अब थोड़ी सी अपनी जगह से हट गई थी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे। जो सूरज की वजह से तबाही होने वाली थी, इनका वो डर भी अब खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यूईजी ने और भी बहुत से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें इनका एक और प्रोजेक्ट जो अंडर सिटी था, जहां पर इन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहरों को बनाया था कि अगर जमीन पर कोई तबाही हुई तो बहुत से लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, मगर वहाँ का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में हैंग और नियो दोबारा दिखाए जाते हैं, जिनकी अब शादी हो गई थी, उनका एक बेटा भी था, पर जब ये लोग मिशन पर गए थे तो उस वजह से हैंग को कैंसर हो गया था, इसीलिए उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जल्दी मरने वाली थी। अब नए सुपर कंप्यूटर्स भी बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था। उन्हीं में से अब एक कंप्यूटर जिसके सामने लियो बैठा था, वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहीं पर हैंग्यू भी उन्हें देख रहा होता है। जब रात होती है तो रात को हैंग्यू अपन कंप्यूटर्स के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वो इन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी का रोबोट बनाना चाहता था, पर यहाँ तभी इनके हेड आ जाते हैं जो हैंग्यू को ये सब करने से रोक रहे थे। मगर इससे पहले हैंग्यू ने बहुत सारे कंप्यूटर के सिस्टम्स को खराब कर दिया था, जिसका नुकसान जान पर जो इन्होंने इंजन लगाए थे उन्हें होता है। वो अब कंप्यूटर की इस गलत सिस्टम पावर से फट गए थे, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसीलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल देती है ताकि लोगों की जान बच पाए। उधर हैंग लियो से कहती है कि मैं कुछ दिन में ही मरने वाली हूँ, तो इसीलिए तो मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड तुम अपने डैड को दे देना, ताकि अगर तुम स्पेस हना में जाओ तो पीछे तुम्हारे डैड हमारे बेटे के साथ सही सलामत रह सके। कुछ दिन के बाद हैंग की भी मौत हो जाती है और लियो के डैड उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड शहर में चले गए थे। चाइना भी पूरे शहर में ये खबर फैला देता है कि चांद बहुत जल्दी जमीन से टकराने वाला है, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इसका हल भी इन्हीं के पास है। वो स्पेस में जाकर चांद पर बहुत से धमाके करेंगे, जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फिर जमीन पर इंजन को लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे, और इस काम में इन्हें गवर्नमेंट की भी मंजूरी दे दी गई थी। लियो भी अब इस मिशन में स्पेस पर चला गया था। वो जाकर स्टेशन पर अपने हेड से मिलता है, जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ये अब अपनी टीम के साथ स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चांद की तरफ निकल गया था। इनका काम था कि चांद पर जाकर जगह जगह बॉम्ब्स को गिराना। अब जब ये लोग बॉम्ब्स को गिराकर वापस से लौट रहे थे, तभी एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट अनबैलेंस होकर इनके स्पेस क्राफ्ट से टकराकर तबाह हो जाता है, जिस वजह से इनका स्पेस क्राफ्ट भी खराब हो गया था। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये 4 थी और कैप्सूल में सिर्फ 3 सीट्स थी। इसीलिए लियो अपने साथियों की जान बचाकर उन्हें भेज देता है और खुद यहीं पर रहने का फैसला करता है। जमीन पर हैंग्यू और लीडर भी आ गए थे, जहाँ पर आकर इन्हें ये पता चलता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम को ऑन करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका था। अब ये सारी टीम समुंदर के अंदर जाने का फैसला करती है, जहाँ पर इनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंग्यू को भी समंदर के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ दो रोबोट्स भी थे,
जो पावर स्टेशन तक आने के लिए इनकी मदद करते हैं, मगर ओवर पावर होने की वजह से इनका एक रोबोट खराब हो गया था, इसीलिए अब इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट के सिस्टम को ठीक करना था। उधर बॉम्ब के फटने की वजह से चांद का मलबा भी अब जमीन पर आकर गिरने लगा था, जिसका कुछ हिस्सा समंदर में भी हैंगयू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से अब इनके स्टेशन में भी समंदर का पानी आने लगा था। लीडर पानी में डूबकर मरने वाले थे। हैंगयू उन्हें बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। लीडर मरने से पहले हैंगयू को सुपर कंप्यूटर का खुफिया कोड बता देते हैं, जिससे इंटरनेट को बहाल करके दुनिया को बचाया जा सकता था, जो बताने के बाद लीडर की मौत हो गई थी। उधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। वो इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की टीम स्पेस में भेजने का फैसला करते हैं, जो जाकर चांद पर बॉम्ब गिराने वाले थे। अब ये टीम जाकर स्पेस में लियो से मिलती है, जो अभी भी स्पेस में ही था। ये लोग इसे कैप्सूल में बिठा कर वापिस अर्थ पर भेजना चाहते थे, मगर लियो जाने से इनकार कर देता है। उधर हैंगयू अभी भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक ना किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा, जिस वजह से ना ही इंजन ऑन होंगी और ना ही जमीन अपनी जगह बदल पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था। इस मिशन के पूरा होने के लिए सब लोग दुआएं मांग रहे थे। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी, वो वहाँ पर बड़े बड़े बॉम्ब से धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अब अपनी जगह से हटने लगा था। हैंगयू भी उधर समझ गया था कि ये इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ से अपने दिमाग को भी वो सुपर कंप्यूटर में डाल देता है। हैंगयू की पानी में ही मौत हो गई थी। जब सबको ये बात पता चलती है कि हैंगयू मर गया, सभी की उम्मीदें टूट गई थी, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। पर हैंगयू के मरते ही सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। अब जमीन पर सभी इंजन को भी चला दिया गया था। दरअसल उन सुपर कंप्यूटर्स के अंदर अब हैंगयू का दिमाग था, इस वजह से इंटरनेट के ठीक होते ही सभी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर हो जाता है। ये मिशन कामयाब हो गया था, पूरी दुनिया बच गई थी, सभी खुश थे। इन्होंने अपने नए सफर को शुरू किया था। इसके बाद हमें 2065 में दिखाया जाता है, अब जमीन पर और भी ऐसे ही बहुत से इंजन बनाने का काम चल रहा था। लियो भी इसी मिशन में शामिल था। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म।